हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काउ स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस डिज़ाइन, ये जो ब्लाउज है, इसका फ्रंट और बैक पार्ट का वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इजीली इसे देख के बना सकते हैं। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम इस ब्लाउज का आर्म होल नापेंगे। तो वो किस तरीके से आपको नापना है देखिएगा। ऊपर से यहाँ से आपको फ्रंट पार्ट का ये जो आर्म होल है, इसे नाप लेना है इस तरीके से। ये देखिए, मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। गोलाई में करते हुए आपको नाप लेना है, 9 इंच आ रहा है। यहाँ पर मैंने टोटल आर्म होल नाप लिया है और ये मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 22 इंच की है। आपको जितनी भी स्लीव्स लेंथ में चाहिए उस हिसाब से आप फैब्रिक बढ़ाकर यहाँ पर ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर 10 इंच की स्लीव्स तैयार रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 22 इंच लिया है लेंथ और विड्थ में फैब्रिक को। अब इसे आपको त्रिकोण में फोल्ड कर लेना है। ट्रायंगल में इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ से हम बंद भाग की तरफ से मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है। इसे हम पिन लगा देंगे ताकि कटिंग करते समय ये कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है और अच्छे से हम इसे बराबर कर लेंगे कपड़े को। अब मैं नीचे से यहाँ से मोरी का नाप ले रही हूँ। तो आपकी स्लीव्स का जो नीचे बॉटम का नाप होता है आप वो लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में ये 12 इंच, उसका आधा लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। एक लाइन ड्रॉ करके इसे हमने इस तरीके से मिला देना है, सीधा कर लेना है इसे। ये देखिए, इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो जितनी भी स्लीव्स आप तैयार रखना चाहते हैं उतना आपको लेंथ लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ और ये स्लीव्स हमारी कोनी के ऊपर तक आएगी। अगर आपको लेंथ में ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप कपड़े को बढ़ा कर लीजिएगा। आर्म होल का नाप यहाँ पर लेंगे, आर्म होल जो हमने नापे थे 9 इंच वो ले लेंगे। 3 इंच पे इसे डाउन कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पर नाप लेंगे और मार्किंग करेंगे। तो ये आर्म होल का शेप दे दिया है, इसे इस तरीके से मिला देना है। अब हमें नीचे से इसे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप पट्टी लगा रहे हैं तो अलग से पट्टी लगा सकते हैं। मैं नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मार्किंग करूँगी और इसे फोल्ड कर दूँगी। अब हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से मैं कर रही हूँ यहाँ पर 12 इंच पे मार्किंग। आपका जितना भी फैब्रिक होता है आप उतना पूरा यहाँ पर ले सकते हैं, हम उसे प्लेट्स में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, 1.5 इंच इस तरीके से। इतना गैप आपको छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पर इसे स्लीव्स का शेप देंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से आपको ये जो आर्म होल वाला पार्ट है, यहाँ से आपको इस तरीके से इसे मिला देना है ऊपर की तरफ। ये देखिए, जैसे हम पफ स्लीव्स बनाते हैं सेम उसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। बस ये कि इसमें हमने लेंथ में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे मिला देना है हमें। ये देखिए, मैंने इसे मिला दिया है ऊपर की तरफ। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को कट कर देंगे अच्छे से, बराबर करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर इसे बनाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लूज फैब्रिक लेंगे, सॉफ्ट फैब्रिक लेंगे तो इसके जो प्लेट्स है वो और भी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो ये पैटर्न हमारा एक स्लीव्स का कटिंग हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया था इस स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है इसकी। तो ऊपर से अच्छे से हमने इसे कटिंग कर लिया है, 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर से 2 इंच मार्क करना है, ये हम प्लेट्स के लिए कर रहे हैं। फिर 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से 2 इंच पे मार्क किया है, फिर 1-1 इंच पर मार्किंग करनी है। फिर 1 इंच, फिर 1 इंच,
और फिर 2 इंच, फिर 1 इंच, फिर 1 इंच, फिर 2 इंच। इस तरीके से पूरा हमें आर्म होल्स तक मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप कैंची से इसके कट करते जाएं, ताकि आपको पता रहेगा कि हमें इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। सबसे पहले ऊपर से मैंने 2 इंच पर मार्क किया था, फिर 1-1 इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर 1-1 इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर 1-1 इंच पे। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। तो 3 से 4 प्लेट्स हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा नीचे तक छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इसमें प्लेट्स किस तरीके से डालनी है, हम इसे खोल लेंगे और राइट साइड से आपको प्लेट्स लगानी है। तो हम ऊपर से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला जो भाग है वो आपका सीधा पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो जो तीसरा वाला कट है उसे पहले वाले कट पे आपको मिलाना है। तो यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे और आप चाहें तो पहले पिनअप कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप पहले पिन लगाना चाहें तो प्लेट्स डालते हुए आप पिन लगा लें, उसके बाद सिलाई लगाएं। ये देखिए इस तरीके से सेम हमने दूसरी तरफ से भी मार्किंग करके जो कट हमने लगाए हैं उसके हिसाब से आपको प्लेट्स डाल देनी है। तीन से चार प्लेट्स आप यहाँ पर आराम से ले सकते हैं, और अगर फैब्रिक थोड़ा और बढ़ा कर लेंगे तो उस हिसाब से आप प्लेट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा इसका, और ये थोड़ी लूज ही रहती है। नीचे से बॉटम को फोल्ड कर लेना है हमें। तो इस स्लीव्स का जो लुक है वो सॉफ्ट फैब्रिक पर ज़्यादा अच्छा आता है, जो फॉलिंग वाला फैब्रिक होता है हमारा। अच्छे से बराबर करते हुए हमने सेंटर में इसे कट कर देना है अटैच करने के लिए। अब मैं इसे आपको अटैच करके भी दिखाती हूँ। तो ब्लाउज़ को हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और सेंटर में जो हमने कट लगाया है वहाँ से इसे जॉइंट कर देंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी स्लीव्स को जॉइंट कर देना है। अब हमने इस पे फिटिंग लगा लेनी है। तो जैसे नॉर्मल हम फिटिंग लगाते हैं उसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ब्लाउज की सीधी तरफ सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, फिर हम ब्लाउज़ को उल्टा करते हुए इस पे फिटिंग लगा लेंगे। अब मैंने ब्लाउज़ को उल्टा करते हुए एक सिलाई कॉर्नर की लगा दी है। इसके बाद मैं चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 34 साइज़ का ब्लाउज़ बनाया है, तो उसी के हिसाब से हमें मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का ले रही हूँ मैं 8.5 इंच और कमर का ले रही हूँ 7 इंच। इस तरीके से स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। नीचे का बॉटम 6 इंच है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हमें स्लीव्स पे फिटिंग लगाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो स्लीव्स डिज़ाइन है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।